बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, ये ना हो कहीं मर ना जाए। आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं ले जाऊंगा उसके पास खाना। कहाँ है आपका बेटा? मुझे साथ ले चले। अच्छा मैं आपको लेके चलती हूँ। वो देखिए सामने बैठा हुआ मेरा बेटा। इस जगह पर ये क्या कर रहा है? मेरा भाई यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे तो आपकी माँ ने यहाँ भेजा है कि मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है, उसको खाना खिला दो। क्या? मेरी माँ ने? हाँ तुम्हारी माँ मेरे साथ आई है। क्या? मेरी माँ तो मेरे मरने के बाद भी ख्याल रखती है मेरे मौला। मांग लो ये मन्नत कि फिर यही जहाँ मिले, फिर यही गोद, फिर यही माँ मिले। सर myself यार। सर myself बिलाल। शिट यार। एक्सक्यूज मी ये क्या कर रहे हो आप? नजर नहीं आ रहा यार, इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहा हूँ। जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हो वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तुम्हारा मतलब उर्दू? कोई भी जबान उर्दू? अरे आजकल उर्दू का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। और हाँ अगर मैं इंटरव्यू उर्दू में दूंगा तो अंग्रेज मुझे अपनी कंपनी से उठा के बाहर फेंक देंगे। और वैसे भी यार बड़ी कंपनी वाले देसी लोगों के साथ कोई बिजनेस नहीं करता, साले देसी लोग। ये जो तू खा रहा है ना, इट्स बिकॉज ऑफ फार्मर ऑफ पाकिस्तान, किसान की वजह से, जिसे ये तुम्हारी इंग्लिश नहीं आती, वो समझता है तो सिर्फ अपनी कौमी जबान उर्दू या पंजाबी। तो क्या अब तुम और तुम्हारी कंपनी वाले ये खाना छोड़ दोगे? वैसे भी तुम और तुम्हारी कंपनी वाले देसी लोगों के साथ बिजनेस नहीं ना करते तो उनको गोया अनाज खाते क्यों हो? कम अज कम जिसका खाओ उसके तो गुण गाओ। वो जो दिन रात एक करता है, मिट्टी में जो रंग भरता है। डॉक्टर साहब वो फिर से लड़का आया बैठा है। कौन सा आया लड़का? वो जिसको आपने ये कहा था कि ओ हो आप तो कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं, आपका बचना तो मुश्किल ही नामुमकिन है। उसने तो फिर टाइम वेस्ट करना है यार, उसको भेजो यहाँ से। और तुम अभी तक गए नहीं? डॉक्टर साहब एक दफा ये मेरी रिपोर्ट से चेक कर ले। वो क्या चेक करनी है यार, एक दफा कर नहीं ली वो क्या फायदा चेक करने का? ये क्या मौजू हो गया? वो तुम्हारी रिपोर्ट तो क्लियर आ गई है, वो ये कैसे हो गई है? सर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि देख मेरे भाई तू परेशान मत हो, तू सूरत रहमान की कसरत से तिलावत कर, क्योंकि सूरत रहमान में हर बीमारी का इलाज है। तो सब्र कर और सिर्फ खुदा पर भरोसा रख। डॉक्टर साहब जो कुछ किया है उस रब ने किया है, इसमें मेरी कोई कमाल नहीं। बेशक वो रब कुन फयकून है। भाभी यहाँ पे मेरे कपड़े खड़े थे, कुछ पता है आपको? मुझे क्या पता, जो माँ से पूछो, खुद तो मर गई है और मुसीबत हमारे गले डाल गई। माँ आप टेंशन ना लें, ये मेरा छोटा भाई है, मैं आपके जाने के बाद इसका पूरा ख्याल रखूंगी। उसी से जाके ले लो, हम लोग ने वही खाना खाना है, तुम भी जाके कहीं से खा लेना। आज भाभी ने खाना बना के दिया था माँ, बहुत अच्छा खाना बना दिया माँ। झूठ अच्छा बोल देते हो बेटा। कदर करो अपनी माँ की, इससे पहले ये रिश्ते ही खो बैठो। नमाज का भी टाइम हो गया, पहले नमाज पढ़ता हूँ बाकी काम बाद में। लकी बेटा मुझे 1 घंटे में ये फाइल क्लियर चाहिए। तो ये फाइल तो आ जाए थी,
ये 2 दिन से पहले क्लियर नहीं हो सकती सर। मुझे नहीं पता, मुझे 1 घंटे के अंदर ये फाइल चाहिए, आज और अभी। सर वैसे भी नमाज का टाइम है, मैं जरा नमाज पढ़ गया हूँ, उसके बाद ये फाइल क्लियर हो जाएगी। मुझे नहीं पता, मुझे अभी की अभी फाइल चाहिए, बैठ के वहाँ काम करूँ। या अल्लाह सर, आपकी फाइल क्लियर हो गई है, ये उसकी कॉपी सर। वाकई? अरे वाह लकी, 3 दिनों का काम तूने 1 घंटे में कर दिया, इस बात का तो तुझे इनाम मिलना चाहिए यार। रख ले सर, रब को नाराज करके कमाया तो क्या कमाया। नमाज कराया जाना दुनिया के हर नुकसान से सबसे बड़ा नुकसान है। अलीजा जी, आपको आयतुल कुर्सी आती है? नहीं। लेकिन आपको सीखनी चाहिए ना, क्योंकि आयतुल कुर्सी हमें जिन्नात और मुख्तलिफ किस्म की बलाओं से बचाती है। भैया मुझे जिन्नात से डर नहीं लगता। लेकिन आपको पता तो है ना कि जिन्नात किसी भी शक्ल में हमारे पास आ सकते हैं। भैया मुझे जिन्नात से डर नहीं लगता, इससे क्या फर्क पड़ता है वो मेरे पास आए या ना आए। दरवाजा खुला है, आ जाए। अलीजा नमाज का टाइम होगा, जल्दी करो नमाज पढ़ लो। भैया मुझे आपसे आयतुल कुर्सी सीखनी है। अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दो, अगर बच्चे दीनदार हुए तो दीन नस्लों तक जाएगा। इसे तो फिर बहुत तेज बुखार हो गया, या मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। एक्चुअली मैं मुसाफिर हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ साथ ख़राब हो गई है, तो थोड़ा डस्ट प्रॉब्लम चल रहा है मुझे, तो काइंडली थोड़ी देर आपके घर स्टे कर सकता हूँ? जी ज़रूर। घर तो ठीक है, पर ये बच्चा क्यों लेटा होगा? ओहो, इसे तो बहुत तेज़ बुखार है, ये बच्चा कौन है? सर ये मेरा बेटा है और 3 साल से बीमार है। फिर आप इसका इलाज क्यों नहीं करवा रहे? सर इसका इलाज मुमकिन नहीं है। क्या मतलब, खुदा ने तो ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज मुमकिन ना हो, आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? सर इसकी बीमारी का इलाज साथ में रहने वाले एक मशहूर डॉक्टर कर सकता है, लेकिन उसके पास जाना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि हमारे इतने औकात नहीं है। क्यों, आप किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, क्या नाम है इसका? उनका नाम वसीम है। मेरी गाड़ी का खराब होना और मेरा आपके घर आना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, मुझे उस खुदा ने आपके घर भेजे और मैं ही डॉक्टर वसीम हूँ। क्या ऊंची शान है, बेशक मेरे अल्लाह तू ही कारसाज है और तू बिगड़े हुए काम बनाता है। यार ये किसकी पार्टी है? वो अपने साथ बिलाल नहीं पढ़ता था, उसने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया और उस खुशी में उसने यहाँ सबको इनवाइट कर लिया और पार्टी दे रहा है। यार कहीं वो बुरा ही ना मान जाए मेरे आने से। यार कैसी बातें कर रहा है, वो एक सुलझा हुआ इंसान है, उसने ग्रेजुएशन पास किया है, उसको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो भाई लोग सब रेडी हो? यार लकी कैसे कैसे जाहिलों को साथ लेके आता है जिनको मैंने इनवाइट भी नहीं किया। मेरा भाई मैं तेरे जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ और मेरे पास तेरी जितनी डिग्रियाँ नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है कि एक इंसान की इज्जत नफ्स क्या होती है। कुछ लोगों को अपनी तालीम का इल्म तो होता है, मगर तालीम से पैदा होने वाले गरूर का इल्म नहीं होता। आ जाए साहब जी। हाँ मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ खाने को दे दो। तो फिर मैं क्या करूँ? अब अल्लाह के नाम पे मांगा है। ओ यार दफा हो जाओ यहाँ से। सर बहुत ज्यादा भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो। हाथ कैसे लगाया तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से। नाराज ना होना मेरा भाई, क्योंकि हर अमीर सखी नहीं होता, क्योंकि सखावत एक सच्चे मुसलमान की निशानी है। इंसान तो हर जगह मिलेंगे आपको, मगर इंसानियत कहीं कहीं। तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा। एक मिनट यार, मेरे पास एक नोट है, ये नकली है, अगर ये तुम में से कोई चला देना तो मजा आ जाएगा। ये नोट मैं चला लूंगा और आज के दिन हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे।
चल जाए नोट, चल जाए चल जाए चल जाए चल जाए, यस चल गया। अदीम अदीम शुक्र है तू आ गया यार, छोटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये पर्ची पकड़ और ये पैसे ले, भाग के जा मेडिसिन लेके, भाग जा भाग जा भाग जा। छोटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये पर्ची पकड़ और ये पैसे ले, भाग के जा मेडिसिन लेके। जाली नोट चलाते हो तुम, जाली नोट लेके आते हो, करो पुलिस को कॉल, निकल जाओ यहाँ से, चलो। सर जी आज मेरी छुट्टी है, बेटा सर सर जी आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे आज पैसे करते हो सर, इतनी मांग लेते हो तुम, हो जाए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे पकड़ो अपने पैसे और फोन आने से, गेट आउट, चलो जाओ। ये नकली है, अगर ये तुमने से कोई चला देना तो मजा आ जाएगा। यस चल गया। अदीम अदीम शुक्र तू आ गया यार, छोटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये पर्ची पकड़ और ये पैसे ले, भाग जा मेडिसिन लेके, भाग जा भाग जा भाग जा। धोखा एक ऐसी चीज है जहाँ से चलता है वहीं पे वापस आता है। साहब जी आपका खाना आ गया। यार मुझे तो डॉक्टर ने हैवी फूड से मना कर दिया है, तुम इस तरह करो ये मेरे घर वापस देते हो। साहब जी अगर आप बुरा ना माने तो इसे मैं अपने घर लेता जाऊंगा। हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी वेस्ट ही हो जाएगा, अपने घर ले जाओ। चंदा एक मिनट रुको, नमाज का टाइम हो गया। ओके ओके नजर नमाज पढ़ो। कॉल क्या चलती रहे? हाँ कॉल चलती रहे, कॉल चलती रहे, आके बात करता हूँ तुमसे। ओके 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 मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तुम इस तरह करो अंदर सफाई कर दो और शॉप का ख्याल रखना। हाँ बोलो चंदा। आज ना मैंने तुम्हारे मुलाजिम से बात सुनी, तुम्हें पता है वो क्या कह रहा था? भाई आपको पता तो है मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज आते हुए कुछ लेते आइएगा। अच्छा मैं कुछ खाने के लिए ले आऊंगा, डाला मेरी कुछ मदद फरमा। वो तो पत्थर में कीड़े को भी रिस्क पहुंचा देता है, तो एक इंसान को कैसे भूखा मरने दे सकता है।